राम राम। नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद शहर में हूँ और सिकंदराबाद शहर में बहुत ही काम की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको कूल प्रेस स्पेलर की वीडियो दिखा रहा हूँ। बहुत सारे आपने स्पेलर देखे होंगे, लोग तेल निकालते हैं या तेल निकलवाते हैं। सरसों के तेल की हर घर घर में जरूरत पड़ती है दोस्तों। बहुत सारी नई तरह की मशीनें आ गई हैं। अभी तक आपने दुकानों में, कस्बों में, शहरों में वो परंपरागत एक ही स्थान पर रखे हुए स्पेलर देखे होंगे। लोग चलते फिरते मोबाइल स्पेलर से भी तेल कर निकलवा सकते हैं और इससे अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये नई तरह की मशीनें आई हैं और नई तरह की मशीनें जहां आई हैं उस कंपनी के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्या फायदे इन मशीनों के हैं और किस तरह से बढ़िया आप काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये सर अपना 10 एचपी मशीन है जी। ये 3,30,000 रुपए विद जीएसटी है और इससे आप 10 से 12 घंटे काम करने पे 5,000 से 6,000 रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद आती है अपना 15 एचपी, इसकी कीमत है 4,50,000 रुपए और इससे अपना 2 से 2.5 क्विंटल पर घंटा माल निकाल सकते हैं और इससे 10 से 12 हज़ार रुपये 10 से 12 घंटे काम करने पर ही कमा सकते हैं। और इसके बाद आती है अपना हमारा 20 एचपी मशीन, इससे आप, इसकी कीमत है 5,50,000 रुपये विद जीएसटी विद मोटर और इससे आप 15 से 16 हज़ार रुपये पर डे के कमा सकते हैं। इसके बाद आती है अपना 30 एचपी, ये 600 से 700 केजी पर घंटे माल प्रोड्यूस करती है और इसकी कीमत है 8,30,000 रुपये, इससे आप 30 से 35 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। हमारा न्यू मॉडल, ये 5 से 6 क्विंटल पर डे पर घंटे का माल प्रोड्यूस करती है, इसकी कीमत है 7,50,000 रुपये, इससे आप 25 से 30 हज़ार रुपये 10 से 12 घंटे काम करने पर कमा सकते हैं। और जितने भी हमारे मॉडल हैं, हमारे से सस्ती पूरे ऑल इंडिया में कोई भी सर्विस के मामले में, प्राइस के मामले में, कीमत के मामले में कोई नहीं दे सकता। ऑल इंडिया सर्विस रहती है, ऑल इंडिया हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रहता है। कहीं पे भी मशीन मंगा सकते हैं, कहीं पे भी टेक्नीशियन हमारा जा सकता है। कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर मशीन है, ये एक बार में ही क्रशिंग करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई भी सीड हो उसको एक बार में ही निकालती है। अच्छा, सरसों के अलावा किसी और सीड का भी तेल निकाल सकते हैं? किसी भी A to Z कोई भी हो, ऑयली चीज सबका तेल निकाल सकती है। ये एक तो एक बार में क्रेशिंग करती है जी, और इससे जो अगर हमारे गांव में ज्यादातर जो बोल्ट वाले स्पेलर होते हैं जी, वो 30-32% का तेल निकालते हैं। अच्छा अच्छा। उससे 2-3% तेल फालतू निकालती है, वो 3 बार में निकालते हैं, इससे एक बार में ही निकल जाता है। अच्छा, और खल कैसी बनती है तेल को साफ करने में, यानी फिल्टर करने में कैसी? इसका जो खल रहती है, पशु भी इसके खल को चाह के खाता है क्योंकि उसमें जल नहीं होती। अच्छा। अगर मशीन के पास आप खड़े होकर भी रहोगे ना तो उसमें जल नहीं आने की है। ये कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर मशीन है, तेल भी निकलेगा तो इसका ठंडा निकलेगा बिल्कुल। अच्छा, ये बिजली से भी चल सकती है, जनरेटर से भी चल सकती है, ट्रैक्टर से भी चल सकती है, किसी भी चीज से चला सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा। और ये अगले मॉडल हम आपके देख रहे हैं, बहुत सारी मशीनें, ये मेरे जो हैं सारे 10 एचपी मॉडल हैं। 10 एचपी वाले मॉडल हैं ये आपके? हाँ, ये है 15 एचपी मॉडल। अच्छा, ये वाला 15 एचपी है और ये है 20 एचपी। ये 20 एचपी है, ये 350 से 400 केजी पर घंटे माल निकालती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई सा भी सीड हो, A to Z, 10 से 12 घंटे अगर रोज क्रेशिंग करेंगे तब जाके इसके 2 से 2.5 साल में वर्म बदले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 से 12 घंटे चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नया आदमी भी चला सकता है? कोई भी इसमें, एक तो आदमी की, एक जो आदमी पहले तो दो तीन आदमी लगते थे, इस पे एक आदमी ही काम कर देता है। अच्छा अच्छा। इसमें माल डालना है, इधर को माल डलता है, इधर को अपना खल निकलती है और तेल या बीच में से निकल जाए। इसका ऐसा नहीं है जो खल को निकालो फिर दोबारा उसमें गिरो, एक बार में 95% सारा प्रोसेस हो जाता है जी। ये मशीनों की और खास बात क्या है या किसान कामगार भाई इन्हें खरीदे तो? इसमें एक तो टाइम कम लगता है जी, जो काम 3 बार में होता है एक बार में होता है। दूसरा, इसमें अगर तेल की परसेंटेज और बोल्ट वाले स्पेलरों से 2 से 2.5% ज्यादा रहती है और इसका तेल जो रहता है बिल्कुल कोल्ड रहता है, इसका तेल भी खराब नहीं होता है। अच्छा, किस कौन कौन सा ट्रैक्टर को चला सकता है, ट्रैक्टर कितना लोड लेता है एक घंटे में, उसके बारे में थोड़ा सा? ट्रैक्टर अभी हम अपनों दिखाएंगे, महिंद्रा 265 पे हमारा 20 एचपी मशीन चल रहा है जी, उस पे 10
उस पे चल रहा है 10 की स्पीड पे। तो कितना तेल ले रहा है घंटे? वो ले रहा है, अभी हमने वो कल चला के देखा था, उस पे 1 लीटर पर घंटे का और 350 पर घंटे की क्रेसिंग कर रहा है मस्टर्ड की। अच्छा 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 तेल निकासी की बात करें तो मोहित भाई, तेल निकासी में और जो वैसे पड़ंजा यानी जो स्थिर ऑयल स्पिलर होते हैं और इनमें तेल निकासी में कितना अंतर है? इसमें 2 से 3 किलो तेल फालतू देता है बोल्ट वाले स्पिलर से। अच्छा अच्छा जी। रख रखाव कम, मेंटेनेंस कम है? मेंटेनेंस ना के बराबर है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, 2 से 2.5 साल में वर्म चेंज होते हैं, कुछ नहीं होता है। और गारंटी सर्विस पूरी मिलेगी? गारंटी सर्विस ऑल इंडिया हमारी, कहीं भी आप मशीन ले जाइए वहीं पे हमारा टेक्नीशियन पहुंच जाएगा। इनका हमने डेमो भी आपको दिखाया है। इस मशीन को आप अपने गोदाम में चला सकते हैं या ट्रैक्टर पर इसका फाउंडेशन तैयार करके, स्ट्रक्चर तैयार करके आप इसको मोबाइल स्पिलर ही बना सकते हैं, बिजली की मोटर चला सकते हैं, इंजन से चला सकते हैं, ट्रैक्टर से चला सकते हैं। और ये कूल प्रेस मस्टर्ड ऑयल स्पिलर है, ऑयल यानी सरसों के तेल के अलावा भी आप इससे किसी भी ऐसे बीज का तेल निकाल सकते हैं जिससे तेल निकाला जा सकता है और एक ही बार में, यानी बार बार आपको सरसों के तेल को 2-3 बार इसको बदलने की जरूरत नहीं होगी स्पिलर में, और ठंडा तेल निकलेगा, बढ़िया खल बनेगी बिना झल वाली। और कीमत के बारे में आप सीधे इस कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं, सर्विस आपको देश भर के किसी कोने में मिलेगी, पूरी जांच पड़ताल करें और खूब जांचें परखें और अच्छी जरूर दोस्तों ये मशीन आपको मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में जरूर शेयर कर दो ताकि नई मशीन की, जो नई तकनीक की मशीन आई है, बढ़िया तेल निकालेंगी, समय कम लेंगी, खल अच्छी बनाएंगी, ऐसी मशीन की जानकारी तमाम साथियों को हो सके। दोस्तों मैं सतीश शर्मा जाफरवादी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद से, नमस्कार।